वेलकम टू फाइंडिंग एक्स और आज हम देखें प्रैक्टिस सेट 12.2। 12.2 के अंदर में हम लोगों ने पहले जो 12.1 किया था उसमें इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पर जो हम नई चीज़ सीखेंगे वो है इक्वेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। आप बोलेंगे सर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है या कैसे करेंगे या कोई एक सिंगल मेथड है? तो उसके आंसर में मैं बोलूँगा नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं मैंने कई बार देखे बहुत सारे बच्चे, मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो होते हैं ना इस चीज़ बहुत घबराते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। बट अगर वर्ड प्रॉब्लम्स को आप देखें ना एक तरह से ना आप ऐसे समझ लिया कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मिस्ट्री बोल लीजिए या फिर कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं। और भी ज़्यादा सिंपल बोलूँ तो पजल से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो वैसा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आप उसको जो लिखा हुआ है उसी को सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे और उसी को और सिंप्लीफाई करके उस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट के वीडियो में भी बोला था, ये चीज़ भी आपको जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जिस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ ये आगे तक चलेगा, मतलब 12th क्लास तक मिनिमम है, उसके आगे भी इवन रहेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम जितना बेटर वे में आप समझ लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है ना तो आपको सबसे पहले एक ना एक वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब जो वेरिएबल मतलब क्या, जो चीज़ को फाइंड आउट करना है सिंपल अगर बताऊँ उसी चीज़ को आप अज्यूम कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, देखिए लिखा ही हुआ है बहुत क्लियरली लिखा है फाइंड सन्स एज, हमें यहाँ पे जो मेन फाइंड आउट करना हो क्या फाइंड आउट करना है, सन की एज फाइंड आउट करनी है। तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे, लेट द सन्स एज बी एक्स ईयर्स। और एक और बात जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है, 25 मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, मतलब मदर जो है 25 ईयर ज़्यादा बड़ी है अपने बेटे से। तो अगर सन की एज एक्स ईयर्स है तो सोचने वाली बात है मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 25 ईयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे देन मदर्स एज वुड बी। अब एक और चीज़ जो कंडीशन को यहाँ पे गिवन है, इफ आफ्टर 8 ईयर्स, अब 8 साल के बाद में ठीक है दोनों की एज का रेशियो कितना है 4:9 है। तो देखिए यहाँ पर कितने हो जाएगा, अब 8 साल के बाद में आफ्टर 8 ईयर्स सन्स एज इक्वल टू, ठीक है सन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर्स ऑलरेडी थी और 8 साल बाद में कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 8 हो जाएगी, है कि नहीं। और मदर की एज में क्या होगा देखिए, एंड आफ्टर 8 ईयर्स मदर्स एज इक्वल टू, तो मदर्स की एज कितनी थी ऑलरेडी थी एक्स प्लस 25 और उसमें 8 और ऐड करेंगे हम लोग क्योंकि 8 साल के बाद की बात हो रही थी, एक्स प्लस 25 प्लस 8 ईयर्स हो जाएगी, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 8 का कितना मिलेगा 33, तो ये कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 33 ईयर्स। ना हमको क्या कंडीशन गिवन है, आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन एज टू मदर एज, रेशियो बोला कितना है सन्स एज टू मदर एज कितना है 4:9 है, तो वो गिवन है सन्स एज टू मदर्स एज, ठीक है। लेकिन ये 8 ईयर्स के बाद वाली एज की बात हो रही है, उसका रेशियो कितना आ रहा है 4:9 आ रहा है। अभी हमने निकाला 8 ईयर के बाद वाली एज कितनी है, सन की कितनी हो रही है आप देख सकते हैं एक्स प्लस 8 है, तो सन वाली एज की जगह पे मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 8 आ जाएगा अपॉन में मदर्स एज की हम बात करें 8 साल बाद में तो वो कितनी है एक्स प्लस 33 ईयर्स, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस 33 इक्वल टू 4:9। अब अगर आपने लास्ट प्रैक्टिस सेट देखा होगा ये वीडियो देखें और क्वेश्चन ऑनेस्टली सॉल्व किए, आई एम अगेन सेइंग ऑनेस्टली, अगर आपने सॉल्व किए तो बहुत ईजिली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33। अब देखिए 9 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा 9 एक्स मिलेगा प्लस 9 इंटू 8 होगा 72 मिलेगा इक्वल टू 4 इंटू एक्स होगा तुमको कितना मिलेगा 4x मिलेगा 4 इंटू 33 होगा तुमको कितना मिल जाएगा ये 132। मैं आपको पुराने मेथड से अगर सिंप्लीफाई करने का तरीका बताऊं तो हम लोग क्या करेंगे यही पूरी इक्वेशन को, ये पूरी पूरी इक्वेशन देके रखी हुई है इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 9x प्लस 72 वो मैंने लिख लिया, दोनों जगह से मैं क्या करूंगा माइनस 72 कर दूंगा क्योंकि मुझे प्लस 72 दिखाई दे रहा है तो -72 -72 कर दिया। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्टिंग 72 फ्रॉम बोथ साइड्स क्योंकि आपको सिखाने के लिए लिखना ज़रूरी था,
फिर एग्जाम में अगर टीचर बोले तो आप लिख सकते हैं, बट आई थिंक जरूरत नहीं है उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 9x मिलेगा हमको यहाँ पे इक्वल टू, प्लस 72 माइनस 72 कैंसिल हो जाएगा और 4x आ जाएगा यहाँ पर, और 132 माइनस 72 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 60 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, यही पूरी इक्वेशन को मैं एक्जेक्टली फिर से लिख लेता हूँ। 9x वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको हम और सिंपल वे में भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अभी आपको मे भी थोड़ा डाउट होगा कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है हम इक्वेशन को, तो इसके लिए मैं एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो बोथ साइड मैंने क्या किया, माइनस 4x माइनस 4x लिखा है, ठीक है, तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, 9x माइनस 4x आप करेंगे आपको कितना मिलेगा, 5x इक्वल टू 60 मिल जाएगा। अब इस x के साथ में क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 5 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 5 वन जो 5 एंड 5 टू जो 10, तो x इक्वल टू 12 मिल जाएगा हमको। देखिए हमने सन की एज जो अज्यूम की थी, आपको याद होगा हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला था, फाइंड सन्स एज, और सन्स की एज कितनी हमने अज्यूम की थी, एक्स ईयर्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली आप देख सकते हैं, 12 मिली है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन बाय इट्स न्यूमरेटर बाय 12, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विद 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए इतना लंबा जब भी हम देखते हैं ना क्वेश्चन को, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में, तो डर लग जाता है कि यार कितनी सारी कंडीशन देख के रखी हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे बड़े आराम आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और एक एक सिचुएशन को ना आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए। तो अभी जैसे कि आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या बोला है, कि यहाँ पे देखिए अलग से कुछ नहीं बोला है, आप बोलेंगे यहाँ पे तो सर फ्रैक्शन फाइंड आउट करने को बोला है, कि फाइंड दी फ्रैक्शन, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात भी हो रही है, न्यूमरेटर की बात भी हो रही है। देखिए बोला डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब क्या, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ही अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। तो अगर न्यूमरेटर हमारा एक्स है, तो जो पहली कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन बाय न्यूमरेटर बाय 12, देन द डिनोमिनेटर वुड बी एक्स प्लस 12। अभी देखिए ये तो कंडीशन यहाँ तक हो गई, मतलब यहाँ तक की बात हो गई यहाँ पर। अभी देखिए नेक्स्ट क्या कंडीशन बताई गई, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। अब ये जो था मतलब x अपॉन x बाय 12, ये जो था हमारा पुराना वाला था फ्रैक्शन, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या कंडीशन दी, अगर न्यूमरेटर को हम डिक्रीज करते हैं 2 से, नाउ अभी हम जो नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं वो लेंगे न्यू न्यूमरेटर, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, न्यू न्यूमरेटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7। डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज, मतलब डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 12 है, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 7 से, तो न्यू डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 12 तो ऑलरेडी है और इसी हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं बाय 7 से, तो प्लस 7 कर दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा x 12 प्लस 7 आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये x प्लस 19 मिल जाएगा। तो न्यू न्यूमरेटर ये है और न्यू डिनोमिनेटर ये है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, न्यू फ्रैक्शन हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर 1/2 के इक्वल हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ भी लिखते हैं कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, आप कैसे भी लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम द गिवन कंडीशंस भी लिख सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 19 इक्वल टू 1/2। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 19 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू एक्स अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा, और 2 इंटू माइनस 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस 4 मिलेगा। देखिए 1 इंटू एक्स प्लस 19 करेंगे तो सेम ही आने वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 19 ही आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन इसको एजिटिव लिख लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, अब बोथ साइड क्या करेंगे प्लस 4 कर देंगे, अभी प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इक्वल टू एक्स प्लस 23 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर में बोथ साइड माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ भी माइनस एक्स किया यहाँ भी माइनस एक्स किया, तो ये वाला एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स क्या होता है आपको पता है एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू 23 हो गया। अभी देखिए हमारा जो पहले वाला फ्रैक्शन था, पहले वाला फ्रैक्शन में क्या था x अपॉन x प्लस 12 हो रहा था, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास में क्या था यहाँ पे
एक्स था और डिनोमिनेटर क्या था, एक्स प्लस ट्वेल्व था। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स के पे क्या जाएगा 23, और यहाँ पे भी एक्स के पे हम क्या पुट करेंगे 23 पुट कर देंगे, और प्लस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 12, तो 23 प्लस 12 अगर आपको कितना मिलेगा, ये 35 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या होगा फ्रैक्शन होगा जो हमको चाहिए था 23/35। देखिए थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। अभी क्या बोला रेशियो ऑफ वेट्स जो है कॉपर और जिंक का, मतलब कॉपर कितना है 13 है तो जिंक कितना है 7 है, मतलब परसेंटेज बोली या फिर रेशियो देके रखा है, बेसिकली परसेंटेज तो नहीं बोलेंगे इसको। तो फाइंड करना हमको वेट जिंक का जो कि ब्रास का बना हुआ है, मतलब ब्रास मतलब क्या होता है दोनों का मिक्सचर मिला के जो अलॉय बनता है उसको हम ब्रास बोलते हैं, जिसका की वेट है 700 ग्राम। अज्यूम कर लेंगे वेट ऑफ कॉपर भी 13x ग्राम, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो होता है ना उसको अज्यूम कर रहे हैं, जिसके बारे आप 9th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी उनके वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखे रखा हुआ है अपने को, लेट करेंगे मतलब हम लोग यहाँ पे लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x ग्राम, और बोलेंगे सर आपने 13x ग्राम क्यों लिया, मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ को एक्स क्यों नहीं अज्यूम किया, जैसा मैं पहले बोल रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा ना क्वेश्चन ही घुमा हुआ है, घुमा हुआ मतलब क्या है पूरा रेशियो में देके रखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हम क्या करेंगे लेट द वेट ऑफ जिंक बी 7x ग्राम। अभी देखिए हमारे पास में जो ब्रास यूटेंसिल वो कितना देके रखा है 700 ग्राम का देके रखा हुआ है हमको, गिवन के अकॉर्डिंग हम क्या हो जाएगा, अभी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा 13x + 7x = 700। ओके तो 13x + 7x कितना हो जाएगा वो पता है, 20x आ जाएगा इक्वल टू 700 आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है 20 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या करें बोथ साइड 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 70/2 करेंगे तो कितना मिलेगी x की वैल्यू 35 ग्राम मिल रही है हमको, ठीक है। और हमको पता है कि जिंक का कितना रेशियो था 7x था, ठीक है, तो 7x अगर है 700 ग्राम के इसके यूटेंसिल के अंदर में, तो हम वेट ऑफ जिंक निकाल लेंगे, देयरफॉर कितना हो जाएगा 7x 7 × 35, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 35 अगर आपको कितना मिलेगा 245 ग्राम मिल जाएगा, ओके और यही हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखे रखा फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर हू सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। देखे रखा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर, अब देखिए कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर होंगे तो उसमें एक एक ऐड होता है, फिर मान ली 3 कंसेक्यूटिव एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, फिर 2, 3, 4, तो 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, मतलब एक का है, मतलब 2 + 1 करूँगा तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 3 से अगर 4 पे जाना तो क्या हो जाएगा 3 + 1 करूँगा तो 4 मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये भी कोई बताने की बात है, ये तुमको पता ही है, बट देखिए होता क्या है ना हमें यहाँ पे अज्यूम करना है नंबर्स को, तो हमको अज्यूम कैसे करेंगे इसके लिए आपको पूरी ये बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे लेट दी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी, एक कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब ही वही होता है कि एक के बाद एक जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर पहला नंबर x होगा तो उसके बाद वाला कितना हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और तीसरा नंबर क्या होगा वो x + 2 होगा, इस तरह से सीरीज चलेगी। अब हमको जो गिवन कंडीशन है, हमको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, हु सम इज मोर देन 45, उनका सम क्या है बट लेस देन 54, मतलब क्या हुआ उनका सम करेंगे दो कंडीशन गिवन है, तो x + x + 1 + x + 2, ठीक है, वो क्या होगा इफ मोर देन 45, उनका सम जो है वो कितना आना चाहिए 45 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला सम जो है वो 45 से बड़ा होगा, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है लेस देन 54, मतलब उन्हीं का जो सम है x + x + 1 + x + 2 वो किसका लेस देन होगा 54 होगा, ठीक है, ये कंडीशन हमको यहाँ पर गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें साथ में सॉल्व करना होगा। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है, इक्वल टू का सिंबल इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमें बोल के रखा है मोर देन और लेस देन, ठीक है, मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट दिया है, इक्वल नहीं बोला है, इसलिए मैंने इक्वल टू का सिंबल भी यूज़ नहीं किया है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में, बट ये आई गेस थोड़ा सा ना आपको आपके लेवल से थोड़ा ऊपर दे दिया है क्वेश्चन को, जो कि नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। तो x + x + x करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 3x मिल जाएगा, ठीक है, और 1 + 2 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। वही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे की वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी, 3x + 3 < 54 हो जाएगा।
सॉरी मैं यहाँ पे 45 लिखना भूल गया था, यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, अब सिमिलर वे में सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब आप ऐसे ही अज्यूम कर लीजिएगा इक्वल टू की साथ जैसे करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म, ऐसे यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 3 है तो यहाँ पे माइनस 3 कर देंगे, और 45 में भी क्या कर देंगे, माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, सिमिलर वे में वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमको, 3x इज ग्रेटर देन 40। 345 माइनस 3 आप करेंगे आपको कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 3x लेस देन कितना हो जाएगा, यहाँ पे फॉर मैंने माइनस 3 नहीं लिखा था, 51 आ जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड भी कर देंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो ये कितना मिलेगा हमको, x इज ग्रेटर देन 42 को आप 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो x हमें कितना मिल जाएगा, ये 17 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 14 से बड़ी मतलब कितनी होगी, 14 से बड़ी 15 हो जाएगी। और की कंडीशन में यहाँ पे 17 से छोटी, मतलब 17 से छोटी अगर हम बात करें तो कितनी होगी, वो 16 होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 16 मिल जाएगा। अब हमें अगर x की वैल्यू मिल गई है तो x प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 16, और x प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 17। अगर x की वैल्यू 16 मिली है तो हमारा x प्लस 1 यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, 17 मिलेगा। और x प्लस 2 हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो हमारे द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स आर, हम लिखेंगे यहाँ पर, और या तो 15, 16, 17 होंगे, या फिर क्या होंगे, 16, 17 एंड 18 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दो पेयर बनेंगे यहाँ पे, और आ रहा है ना उसकी वजह से, मतलब और की वजह से तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में देख करके रखा हुआ है, इन अ टू डिजिट नंबर डिजिट एट टेंथ प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अब हमें क्या करना है, एक टू डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना है जिसमें कंडीशन दी गई है कि डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है उसी की ट्वाइस डिजिट है टेंथ प्लेस पर। अब देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए T4, अब मान लीजिए वंस प्लेस हमारे पास में क्या है, 4 है, तो टेंथ प्लेस पे क्या है उसका डबल, 4 का डबल कितना होगा, 8, मतलब इस तरह से बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा वंस प्लेस पर है उसको हम अज्यूम करेंगे, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स। यूनिट प्लेस पर डिजिट अगर एक्स है, देन द डिजिट एट टेंथ प्लेस वुड बी, देखिए हमारा अगर जो नंबर है वो नंबर क्या है, मैं आपको जैसे कि पहले ही बताया था, मान लीजिए अगर हम 84 अज्यूम कर रहे हैं, 84 है, तो 84 को मैं लिख सकता हूँ ना 80 प्लस 4, या को समझाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू टेंथ प्लेस प्लस 4 इंटू वंस प्लेस, टेंथ प्लेस इंटू में आ जाएगा, वंस प्लेस इंटू में आ जाएगा। और अगर उसी लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं, जो नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब देखिए हमें यहाँ पे क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है फाइनली, देन द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंथ प्लेस मतलब कितना हो जाएगा, टेंथ प्लेस क्या हमारे पास में 2x है, मतलब क्या हो जाएगा, 2x इंटू 10 प्लस वन प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा और x आएगा, मतलब प्लस x इंटू 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, 2x इंटू 10 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला, 20x मिलेगा, प्लस x इंटू 1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। इसका मतलब 20x प्लस 1x कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 21x हो जाएगा, सिंपल था। अब मैं आपको इसी फॉर्मूले के बेसिस पर बताया कि किस तरह से मैंने ये डिराइव किया है यहाँ पे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या हमको देख रहा है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर देन सम इज 68। अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि अगर हमने नंबर जो ऑब्टेन किया बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो पहले वो नंबर निकालना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे डिजिट को। इंटरचेंज करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 2x जो है वो 1s की प्लेस पे चला जाएगा और x जो है वो 10s की प्लेस पे आ जाएगा। तो हम पहले वही निकाल लेंगे, नंबर बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स। तो अभी अगर आप इंटरचेंज करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू 10 आ जाएगा प्लस 2x इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 2x था तो उसके यहाँ पे x आ गया, इंटरचेंज किया मैंने। ठीक है, और x था यहाँ पर तो यहाँ पे उसके यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10x प्लस 2x। ठीक है, तो हमको कितना मिल जाएगा, 12x मिल जाएगा। और साथ में क्या है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना, 21x, और इंटरचेंजिंग बाय डिजिट कितना, 12x। इन दोनों का हम एड अप करेंगे तो हमें सम कितना मिलेगा, दोनों का 66 मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना कई बार इस तरह से भी लिखते हैं, ATQ। तो हमारे पास में क्या हो रहा है यहाँ पे, 21x प्लस 12x इक्वल टू कितना है, 66।
तो 21x + 12x अगर आप करें वो कितना मिलने वाला है, ये 33x = 66। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और x के द्वारा 33 से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड बाय 33 कर देंगे, 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा तो x मिलेगा 33 × 1 = 33, 33 × 2 = 66, x = 2 मिल गया हमें। अभी देखिए हमारा जो नंबर था, अगर आपको याद हो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमने निकाला था यहाँ पे, वो क्या था 21x था रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर = 21x, ठीक है 21, और x की वैल्यू कितनी मिली आप देख सकते हैं, हमको 2 मिली है तो × 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 42, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखे रखा है सम टिकट्स फॉर ₹200, सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड, द नंबर ऑफ टिकट्स फॉर ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स फॉर ₹37,000, फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करने को क्या बोला है, थिएटर है, ड्रामा थिएटर है जहाँ पे ₹200 की टिकट भी बिक रही है और ₹100 की बिक रही है, ठीक है। अब ये क्या बोला, ₹200 की जो टिकट थी वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स फॉर ₹100, तो ₹100 की टिकट से 20 टिकट ज़्यादा बिकी हैं ₹200 वाले की, और टोटल सेल कितने की हुई, 37,000 की हुई है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड, तो मैं आपको हमेशा बताया कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है ना उसी को हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड बी एक्स, ठीक है। देखिए ₹100 की जो टिकट बिकी है अगर वो एक्स बिकी हैं तो यहाँ पे 200 की कितनी बिकी आपको देखे रखा 20 मोर थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ ₹200 टिकट सोल्ड बी, तो ये अपने को मिलेगा x + 20। और देखिए टोटल अमाउंट कितना मिला है थिएटर को, मिला 37,000, तो ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन, इसको हम लिख लेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय थिएटर = अभी देखिए टोटल टिकट कितनी बिकी है, देखिए 100 × x बिकी हैं, ये लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है 100 × x, तो वो मैं लिख दूंगा 100 × x प्लस 200 × x + 20, 200 × x + 20 = कितना हो रहा है 37,000 हो रहा है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 100x + 200 × x करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 200x मिलेगा, और 200 × 20 करेंगे तो वो कितना मिलेगा प्लस 4,000 मिल जाएगा, = 37,000 हो जाएगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या कर देंगे 4,000 से माइनस करेंगे, और 100x + 200x अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है ये 300x मिलेगा, इन दोनों का एडअप किया तो प्लस 4,000 था, यहाँ पे माइनस 4,000 आ जाएगा, = 37,000 - 4,000 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल होगा तुमको कितना मिलेगा 300x = 33,000 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे बोथ साइड 300 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो x = को कितना मिल जाएगा 110। आपको पता है हमको 100 से टिकट कितनी सोल्ड हुई वो निकालता था, और हमने कितना अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, तो नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट सोल्ड वर 110, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं देखिए 7th क्वेश्चन लेके रखा, ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोला कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर, वही 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कभी हमें कंसेक्यूटिव नंबर दे करके रखे हुए होते हैं, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था हम किस तरह से अज्यूम करते हैं, तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं इनकेस अगर आप भूल गए हैं तो। तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x, x+1 and x+2, हमने तीनों वो नंबर अज्यूम कर लिया। देखिए कंडीशन का गिवन है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज, मतलब 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्वियसली x हो रहा है हमारे यहाँ पे 5x, हमें कंडीशन फॉर्म करनी है तो 5x हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए इस देके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा = 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, 9 मोर देन 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट, ठीक है, 9 मोर होगा मतलब क्या हो जाएगा, 9 मोर मतलब प्लस का 9 आ जाएगा एंड 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x + 2 है, इसका 4 टाइम हो जाएगा मतलब 4 × x + 2 हो जाएगा। ये कंडीशन हमको यहाँ पर गिवन है और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, आप चाहें तो गिवन आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने क्या किया कन्वर्ट कर दिया इतना सा जो स्टेटमेंट देके रखा हुआ था। अगर आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो बहुत डर लगेगा कि अरे 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोले हैं, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, 9 मोर बोला है, 4 टाइम बोला है, ये कन्फ्यूजन हो रहा है, बट आप सिंपली अगर समझेंगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, मतलब
पेशेंटली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स अगर आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, 4 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, प्लस का तो 9 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है तो उसको मैं प्लस का 9 लिख दूंगा यहाँ पे। तो 5x इक्वल टू 4x, 8 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 17 मिल जाएगा। अभी देखिए मैं x के लिए निकालें, यहाँ पे 4x है तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन का एवरेज लिख लेंगे, माइनस 4x कर देंगे दोनों जगह, ठीक है, यहाँ भी माइनस 4x, यहाँ भी माइनस 4x, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, 17 आ जाएगा। 5x माइनस 4x आप करें आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, हमारा पहला नंबर क्या था वो x ही था, है ना, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर 17 आ रही है तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा, therefore x प्लस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। हमारे पास में x प्लस 2 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 17 प्लस 2 इक्वल टू 19, ठीक है। और थ्री कंसेक्यूटिव रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17, 18 एंड 19, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगेन जो 8 वर्ड प्रॉब्लम है ये भी आप अगर एक बार पढ़ेंगे आपको ऐसा डर सा लग सकता है, बट ऐसा डरने वाली कोई भी बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या बोला, राजू सोल्ड बाइसाइकिल टू अमित, राजू ने अमित को बाइसाइकिल बेची है 8% प्रॉफिट पे, अमित ने क्या किया उसको रिपेयर किया, रिपेयरिंग में खर्चा है ₹54 और सोल्ड कर दी उसको उसने निखिल को, ठीक है, राजू ने अमित को बेची, अमित ने निखिल को बेच दी है फॉर 1134 के लिए विद नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेज्ड, राजू ने कितने में खरीदी थी वो हमको निकालना है यहाँ पे। एक्स जो हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए अज्यूम करेंगे, राजू ने जितने में खरीदी है उस प्राइस को हम अज्यूम कर लेंगे एक्स रुपीज, ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, एक एक चीज़ को सिंप्लीफाई करते जाएंगे और राजू ने कितने में को पड़ी वो हम निकालेंगे। देखिए एक के बाद एक चीज़ करेंगे, क्योंकि एक इवेंट ये हुआ कि राजू ने खरीद के अमित को बेची, अमित ने रिपेयरिंग की, फिर अमित ने निखिल को बेची नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो तीन तरह की यहाँ पे कंडीशन बन रही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं निकालना है उसी को मैं ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब राजू को पड़ी है ये एक्स रुपये की, मतलब राजू ने जो खरीदी थी वो उतने की पड़ी, एक्स रुपीज की पड़ी थी, लेकिन उसने अमित को बेची है 8% प्रॉफिट पे, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक्स के अंदर हम 8% और ऐड कर देंगे। अभी हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर अमित इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल फॉर अमित। देखिए अमित ने क्या किया, एक्स रुपीज तो दिए ही दिए, तो उसने क्या किया यहाँ पे, x प्लस 8% जो प्रॉफिट मिला है राजू को वो भी उसने पे किया, मतलब क्या हो जाएगा 8% ऑफ x, मतलब कितने की पड़ी उसको, x प्लस 8/100% का मतलब हमेशा क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है, इंटू x आ जाएगा, ठीक है। 8/100 को आप सिंप्लीफाई करें आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 4 1 4 4 2 8 एंड 4 2 8 4 5 20, तो मतलब कितना मिलेगा, x प्लस 2/25x। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज़ को, तो ये कितना हो जाएगा, 25x प्लस 2x/25, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 27x/25, ठीक है। अगर राजू ने एक्स रुपीज की खरीदी है तो अमित ने कितने की खरीदी, वही सेम चीज़ 27/25x की खरीदी। अब उसने क्या किया यहाँ पे, अमित ने उस पर कुछ रिपेयरिंग का काम किया, उसमें उसने 54 रुपीज और खर्च किए और उसने निखिल को बेच दिया है 1134 में, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑन साइकिल ऑफ इक्वल टू रुपीज कितना था हमारे पास में, 54। सो नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ बाइसाइकिल फॉर अमित इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/25x प्लस 54। निखिल परचेज्ड इट फॉर रुपीज 1134। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कीमत और ये वाली कीमत के आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देयरफॉर 27/25x प्लस 54 इक्वल टू 1134। अभी हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में से बोथ साइड 54 माइनस कर देंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, 27/25x इक्वल टू 1134 माइनस 54 करेंगे, हमको ये कितना मिल जाएगा, 1080 रुपीज। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे x के साथ में क्या हो रहा है, ये 27/25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, 27/25 है x है, इंटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, 25/27, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1080 × 25/27 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, राइट। x इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 27 4 का क्या होता है, 108 होता है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 40, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 25, तो
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 25 अगर आप करें आपको कितना मिलेगा 1000 रुपीज मिल जाएगा। तो राजू ने मतलब कितने की खरीदी थी ये बाइसाइकिल 1000 रुपीज की खरीदी थी। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में देख रखा है क्रिकेट प्लेयर स्कोर 180 रन इन द फर्स्ट मैच 255 रन इन द सेकंड मैच फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ रन इन द थ्री मैच बी 230। सो जितना उसको स्कोर करना चाहिए थर्ड मैच में उसे हम क्या कर लेंगे एक्स अज्यूम कर लेंगे। सो लेट द क्रिकेटर स्कोर एक्स रन इन थर्ड मैच। देखिए एवरेज की बात करूं या फिर मैं मेन की बात करूं बात सेम ही है। यहाँ पे कितना देके रखा है 230 आ रहा है अपना ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एवरेज लिख देंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वी नो दैट सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। एवरेज के यहाँ पे हमारे पास में 230 आ गया ठीक है। सम ऑफ ऑल स्कोर का मतलब क्या हो जाएगा पहले में कितने थे 180 थे तो 180 आ जाएगा। फिर कितना 257 था प्लस 257 आ जाएगा प्लस हमने क्या था क्या ज़ूम किया यहाँ पे एक्स ज़ूम किया हुआ था यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर कितना हो रहा है 1 2 3 तीन हो रहे हैं ना हमारे पास में यहाँ पे 3 आ जाएगा ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे 3 को आप यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा या फिर आप ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग विथ 3 बोथ द साइड्स। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे 230 इंटू 3 इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 180 प्लस 257 प्लस एक्स इक्वल टू 690 आ जाएगा ठीक है। और 180 प्लस 257 भी हम लोग करेंगे यहाँ पे को कितना मिलेगा 437 प्लस एक्स इक्वल टू 690। तो अभी हम क्या करेंगे 690 में से इसको आप इधर से इधर लेके जाएंगे ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 437 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू को कितना मिल जाएगा 253। और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा हमने एक्स को क्या किया था अज्यूम किया था जो हमको फाइंड आउट करना था ठीक है। टेंथ क्वेश्चन में देखे रखा है सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू एंड अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द सुधीर एंड वीरू एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5 to 6 देन फाइंड द वीरूज एज। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अगेन एग्री हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले वो सोचिए हमें फाइंड आउट करनी है वीरू की एज। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द वीरूज एज बी एक्स ईयर्स। अब अगर हमारे पास वीरू की एज एक्स ईयर्स है तो आप देख सकते हैं सुधीर की एज कितनी है 5 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ वीरू देन सुधीर एज वुड बी कितना हो जाएगा 5 मोर देन 3 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 ईयर्स। और अनिल की एज कितनी है सुधीर की एज से हाफ है मतलब हमने अभी सुधीर की एज कितनी निकाली 3x प्लस 5 निकाली ना यहाँ पे इसका हाफ कितनी है अनिल की एज है एंड अनिल्स एज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन 2 ईयर्स। अभी देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख करके रखा हुआ है वो क्या देख रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। देखिए हमारे पास में क्या सुधीर और वीरू की एज लेनी है हमको तो सुधीर की एज कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 5 है और x है ठीक है। तो वही मैं लिख दूंगा यहाँ पे x प्लस 3x प्लस 5 आ जाएगा 2 रेशियो में क्या 2 3 टाइम्स अनिल्स एज 3 टाइम्स अनिल्स एज बोल रहा अनिल्स की एज हमारे पास में इतनी है तो अपॉन में आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा और 3x प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा तो उसका रेशियो कितना देके रखा है इक्वल टू 5/6 देके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है तो x प्लस 3x अगर आप करेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4x मिलेगा प्लस 5 ये वाला 5 एजिटिव मैंने लिख दिया अपॉन में 3 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5/6। अभी देखिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब ये पूरी पूरी जो टर्म है वो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ठीक है एकदम सिंपल वे में करेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 5 ठीक है मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पर आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 4 अगर आप करें आपको क्या मिलेगा 24x 6 इंटू 5 करें आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा तो प्लस 30 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 अगर हम और डायरेक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 15 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। अगेन मैं इस 2 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू 24x प्लस 30 इक्वल टू 15 इंटू 3x करेंगे
15 × 3x अगर आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, 45x मिलेगा, ठीक है, प्लस 15 × 5 करें आपको क्या मिलेगा, 75 मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में 2 × 24 अगर हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 48x प्लस 2 × 30 करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, इक्वल टू 45x प्लस 75। हम क्या करेंगे, बोथ साइड 60 माइनस करेंगे, तो पहले वही इक्वेशन कैपेसिटिव लिखेंगे, ठीक है, माइनस 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस 60 आएगा, प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो जाएगा, 48x इक्वल टू 45x, 75 माइनस 60 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बचेगा यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस 45 करेंगे, तो पहले वही इक्वेशन कैपेसिटिव लिख लूँगा, 48x इक्वल टू माइनस 45x, और यहाँ पे भी क्या जाएगा, माइनस 45x आ जाएगा, प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 48x माइनस 45x अगर हम करेंगे वो कितना मिलेगा, ये 3x इक्वल टू 15। क्या करेंगे, बोथ जगह 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 3 × 3 एंड 3 × 5 = 15, तो हमको कितना मिलेगा, x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। और देखिए हम लोगों ने क्या किया था स्टार्टिंग में, वीरू की एज कितनी ली थी x, और वीरू की एज हमको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो हमारी वीरू की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।